सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम ओडीआई सीरीज के विजेता बने तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के टीम के बीच में खेली जा रही 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला गुयाना में खेला जा रहा है। आपको बता दें कि शुरुआत से ही यह मुकाबला पूरी तरीके से बारिश की भेंट चढ़ा रहा। पहले तो टॉस में काफी ज्यादा देरी हुई तो बारिश की वजह से, जिसकी वजह से जब टॉस में इतनी देरी हो गई थी तो फिर टॉस होने के बाद मुकाबले को 43 ओवर तक का कर दिया गया। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि भारी बारिश के बाद जब टॉस हुआ तो कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीत लिया, जिसके बाद उन्होंने हमेशा की तरह पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका भी दिया। मैदान पर वेस्टइंडीज की टीम भी बल्लेबाजी करने आई चुकी थी और अब तक उन्होंने अपने 9 रन बनाए थे और छठा ओवर पूरा भी नहीं हुआ था कि मैदान में फिर से बारिश हो गई। कवर्स को फिर से लाया गया और मुकाबले को अब घटाकर 40 ओवर तक का कर दिया गया। और दोस्तों, कुछ इसी तरीके से मूसलाधार बारिश के चलते पहला ओडीआई तो पूरी तरीके से बारिश के ही नाम रहा। वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करते हुए केवल 54 रन ही बना पाई और फिर दूसरी तरफ जवाब में भारतीय टीम ने भी महज एक ही विकेट लिया था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैदान में महज 13 ओवर ही डाले गए थे, जिसके बाद खेल को रोक दिया गया और फिर खेल रद्द हो गया। लेकिन अगर शुरुआत से बातचीत करी जाए तो जब मैदान पर वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करने आई थी तो 43 ओवर का गेम हो गया था। अब मैदान में फिर से बारिश हो चुकी थी और सभी खिलाड़ी मैदान से बाहर आ चुके थे। इस दौरान जब मुकाबले को 40 ओवर का कर दिया गया और जब एक बार फिर से मैदान में खिलाड़ी जाने लगे थे तो उसी दौरान भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली कुछ अलग ही अंदाज में दिखे। दोस्तों, मैदान पर अक्सर गुस्सा करने वाले कप्तान विराट कोहली मैदान पर ही नाचते हुए दिखे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कप्तान विराट कोहली सबसे पहले तो केदार जाधव के साथ मस्ती कर रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी जमकर एक दूसरे को देखकर डांस कर रहे हैं और इसका सब मजा भी ले रहे हैं। लेकिन विराट कोहली यहीं तक नहीं रुके। आपको बता दें दोस्तों, जब पिच पर खड़े उनके दोस्त क्रिस गेल वहां पर मौजूद थे तो विराट कोहली उनके साथ ही मैदान में नाचने लगे। अब क्रिस गेल ने भी उनका साथ दिया और वह भी उनके साथ कुछ मस्ती भरे स्टेप्स करते हुए दिखे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कप्तान विराट कोहली व क्रिस गेल भी एक साथ मस्ती कर रहे थे। विराट कोहली का यही कूल अंदाज देखकर कहीं ना कहीं सब शॉक भी थे, क्योंकि अक्सर फील्ड पर इंटेंस रहने वाले विराट कोहली कभी कभी ही मैदान में इस तरीके के मूड में दिखते हैं। खैर दोस्तों, बात चाहे कुछ भी हो, पहला ओडीआई तो रद्द हो चुका है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है अब दूसरा ओडीआई कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर वेस्टइंडीज? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, के पहले ओडीआई की शुरुआत में भी मैदान में एक ऐसा वाक्य हुआ था जब सबको महेंद्र सिंह धोनी की याद आई थी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, महेंद्र सिंह धोनी। और हम बात कर रहे हैं पारी के चौथे ओवर की, जब डाल रहे थे गेंदबाजी मोहम्मद शमी। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि मोहम्मद शमी के इस ओवर की 5वीं गेंद पर इविन लुईस साफ तौर पर आउट थे। एक इन स्विंग डिलीवरी डालकर मोहम्मद शमी ने लुईस का विकेट ले लिया था, लेकिन मैदानी अंपायर नहीं मान रहे थे। अब भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी भी 90% अपने फैसले पर श्योर तो थे, लेकिन कोई DRS नहीं लेना चाहता था, क्योंकि सब चाहते थे कि DRS बचा रहे। गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ भी पड़ रही थी, ऐसे में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ज्यादा अपील करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि अगर ऐसे समय पर विकेट कीपर ऋषभ पंत की जगह अगर महेंद्र सिंह धोनी होते तो क्या रिव्यू लिया जाता था या फिर नहीं? जवाब आप सभी के सामने है, रिव्यू बिल्कुल लिया जाता। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत के पास शायद वह अनुभव नहीं जो महेंद्र सिंह धोनी के पास है। विकेट के पीछे से बॉल टप्पा खाकर कहां घूम रही है और किस जगह लग रही है, धोनी एक क्षण में बता सकते हैं। और शायद इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी को DRS रिव्यू लेने के मामले में बादशाह कहा जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी द्वारा लिए गए DRS रिव्यू के फैसले 95% तो हर बार सही होते हैं। ऐसे में यह मुकाबला रद्द हुआ वह तो बाद की बात है, लेकिन अगर भारतीय टीम के साथ महेंद्र सिंह धोनी उस समय मौजूद होते तो वह जरूर रिव्यू लेते। और यही वह एक लम्हा था जब मैदान में पहले ODI के दौरान ही सबको धोनी की याद आई। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी व ऋषभ पंत में कौन एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बता दें कि भारी बारिश के बाद जब टॉस हुआ तो कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीत लिया, जिसके बाद उन्होंने हमेशा की तरह पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका भी दिया। मैदान पर वेस्टइंडीज की टीम भी बल्लेबाजी करने आई चुकी थी और अब तक उन्होंने अपने 9 रन बनाए थे और छठा ओवर पूरा भी नहीं हुआ था कि मैदान में फिर से बारिश हो गई। कवर्स को फिर से लाया गया और मुकाबले को अब घटाकर 40 ओवर तक का कर दिया गया। और दोस्तों, इस मुकाबले के 40 ओवर के होने के बाद जब वेस्टइंडीज की टीम मैदान पर फिर से बल्लेबाजी करने
सामने आई तो इविन ल्यूस का एक अलग ही रूप मैदान पर देखने को मिला। जीवनदान मिलने के बाद तो इविन ल्यूस अब काफी आक्रामक रूप से बल्लेबाजी कर रहे थे। 36 गेंदे खेलकर इविन ल्यूस अपनी पारी में 40 रन लगा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ उनके पार्टनर क्रिस गेल तो 4 रन बनाकर ही आउट हो गए, जिसके बाद उनका साथ दिया शाई होप ने 6 रन लगाकर। शाई होप भी क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन फिर से मैदान में बारिश ने अपनी दस्तक दे डाली। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक भारतीय टीम की तरफ से 13 ही ओवर डाले गए थे और वेस्टइंडीज की टीम ने 51 रन बना लिए थे एक विकेट के नुकसान पर। यह एक विकेट भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव ने झटका था क्रिस गेल के रूप में, लेकिन इस बार मैदान में एक बार फिर से बारिश ने अपनी दस्तक दी और इस बार तो बारिश ने जाने का नाम ही ले लिया। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि 13 ओवर के गेम के बाद तो मैदान में काफी तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। अब सबको यह तो मालूम हो चुका था कि अब यह मुकाबला 30 ओवर तक घटकर रह जाएगा, लेकिन फिर यह मुकाबला 20 ओवर तक घटके रहा और फिर मैदानी अंपायर्स ने यह फैसला ले लिया कि यह मुकाबला खेला नहीं जा सकता, जिसके बाद इस मुकाबले को वहीं रद्द कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले के रद्द होने के साथ में भी कहीं ना कहीं भारतीय टीम की जीत ही है। शुरुआत से इस मुकाबले की भारतीय टीम ने अपनी बढ़त बना रखी थी वेस्टइंडीज के ऊपर। दबाव तो भारतीय टीम के गेंदबाजों का वेस्टइंडीज की टीम के खिलाड़ियों पर शुरुआत से ही देखा जा रहा था और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट टीम पहले भी T20 श्रृंखला को 3-0 से जीत कर आई है। ऐसे में अगर यह मुकाबला रद्द भी हो गया है तो भारतीय टीम के हौसले पस्त नहीं होने वाले। वह अगले दोनों मुकाबले को जीतने का दम रखती है, तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला भी किसी जीत से कम नहीं, बल्कि अब तो इस सीरीज के दूसरे मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों में हौसला दोगुना हो चुका होगा। पहले वनडे में जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन करके दिखाया, चाहे कुछ ओवर ही सही, भारतीय टीम के गेंदबाजों ने गेंदबाजी काफी ज्यादा उम्दा करी, लेकिन अब देखना होगा किस तरीके से भारतीय टीम दूसरा वनडे मुकाबले जीतेगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, 11 तारीख को होने वाले भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में दूसरे वनडे मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर वेस्टइंडीज? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंपायर के गलत फैसले ने भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब कर दी थी। शुरुआती दौर में ही भारतीय टीम को इविन ल्यूस जैसे धाकड़ बल्लेबाज का विकेट मिल जाता, जिसने आगे चलकर तहलका ही मचाकर रख दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं आज कुलदीप यादव ने अपनी शानदार गेंदबाजी से वेस्टइंडीज की टीम की सलामी जोड़ी के सबसे धुआंधार बल्लेबाज क्रिस गेल का विकेट तो निकाल ही लिया। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कुलदीप यादव की रणनीति के आगे आज क्रिस गेल का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल पाया, साथ ही उन्होंने उनका विकेट लेकर उनको करारा जवाब भी दिया। आपको बता दें कि यह पूरा वाक्य पारी के 11वें ओवर का, जिसे डालने के लिए कप्तान कोहली ने अब गेंद थमा दी थी कुलदीप यादव के हाथों में। हालांकि इस समय तक क्रिस गेल ने कुछ ज्यादा खास रन नहीं बनाए थे, लेकिन अब उनकी टीम के दूसरे बल्लेबाज इविन ल्यूस रन लगाने लगे थे। ऐसे में क्रिस गेल भी कहां पीछे रहने वाले थे, लेकिन इसी बात का फायदा उठाया कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव ने 11वें ओवर की पहली गेंद को इतना स्लो डाल दिया कि क्रिस गेल उस गेंद पर एक बड़ा शॉट मारने पर पूरे तरीके से मजबूर हो चुके थे। क्रिस गेल चाहते थे कि वह डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को निकाल दे और बाउंड्री के बाहर पहुंचा दे, लेकिन इससे पहले कि क्रिस गेल इस गेंद को समझ पाते, यह गेंद विकेट में जाकर लग चुकी थी और वह क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों क्रिस गेल जैसा धाकड़ बल्लेबाज जो कि भारतीय टीम के गेंदबाजों को काफी नुकसान पहुंचा सकता था, उसका विकेट कुलदीप यादव ने भारतीय टीम को महज 4 रनों पर दिला दिया। जी हां अब तक क्रिस गेल ने मैदान पर 31 गेंद खेलकर बस 4 ही रन लगाए थे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि गेल जैसे बल्लेबाज केवल 5 गेंदों में ही 20 से 25 रन लगाने का भी दम रखते हैं। लेकिन कुलदीप यादव ने शुरुआती दौर में ही उनका विकेट दिलवाकर कहीं ना कहीं भारतीय टीम को काफी बड़ी सफलता भी दिलाई और उन्हें मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज को आउट करके। लेकिन दोस्तों कुलदीप यादव की इतनी शानदार गेंदबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन आपको बता दें कि केवल 34 गेंदों में ही मैदानी अंपायर ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने भारतीय टीम को बुरी तरीके से धक्का पहुंचा दिया। सबसे पहले तो आपको यह बता देते हैं कि यह पूरा वाक्य पारी के 4th ओवर का, जिसे डालने के लिए गेंद थमाई गई थी मोहम्मद शमी के हाथों में। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के दौरान से ही काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार उनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी है। जब ODI सीरीज के पहले मुकाबले में उन्हें गेंद थमाई गई तो उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया कि वेस्टइंडीज की टीम के बल्लेबाजों के होश उड़ गए थे। दोस्तों गेंद को हाथ में पकड़ते ही मोहम्मद शमी ने तेज रफ्तार से स्विंग कराना शुरू कर दिया और फिर क्या होना था, वेस्टइंडीज की टीम के सबसे धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल भी उनके आगे पानी भरते नजर शुरुआत में। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद को खेल रहे थे अब वेस्टइंडीज की टीम की सलामी जोड़ी के बल्लेबाज इविन ल्यूस, जिसके बाद इस ओवर की 5वीं गेंद सीधा जाकर लगी इविन ल्यूस के पैड पर। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने तो जोरदार अपील कर दी और खास तौर पर मोहम्मद शमी ने, लेकिन मैदानी अंपायर अपने फैसले पर अटल रहे कि वहां पर ल्यूस नॉट आउट है और अंपायर के इतने कठोर फैसले को देखते हुए भारतीय टीम ने रिव्यू लेना भी जरूरी नहीं समझा।
क्योंकि शायद भारतीय टीम के खिलाड़ी भी यह नहीं चाहते थे कि शुरुआती दौर में रिव्यू को गवाया जाए। परंतु फिर आगे चल रही गेंदों के दौरान जब बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो साफ तौर पर पाया गया कि गेंद तो पूरी तरीके से इनलाइन पिचिंग थी, साथ ही लिविस के पैड पर भी सही जगह पर लगी थी और लिविस पूरी तरीके से आउट भी थे, लेकिन मैदानी अंपायर ने उन्हें आउट देना तो दूर, उन्हें थर्ड अंपायर की तरफ जाना भी जरूरी नहीं समझा, जिसके कारण भारतीय टीम को शुरुआती दौर में एक बड़ा विकेट मिलने से रह गया। दोस्तों चलो मान भी लिया जाए कि भारतीय टीम को रिव्यू लेना चाहिए था और इविन लिविस को आउट करार दिलवाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मैदानी अंपायर की भी तो गलती है कि साफ आउट हो रहे खिलाड़ी को भी उन्होंने पूरी तरीके से नॉट आउट करार दिया और थर्ड अंपायर तक की मदद लेनी जरूरी नहीं समझी। ऐसे में आप सभी को क्या लगता है, इविन लिविस को नॉट आउट देने का फैसला अंपायर का सही था या फिर गलत, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज दौरे का